हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज डेट हो गई है 13 जुलाई, और आज मेरी वाइफ दीपा का बर्थडे है। तो दीपा ने बरेली में केक काटने से मना कर दिया है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, और वहाँ पे ही बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, वही केक दीपा से कटवाएंगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ख़ास तौर पर हमारे बच्चे आदि और आशी। ये आ गए हैं हम टोल पर, और ये है बरेली का पहला टोल, और देखते हैं कितने टोल पड़ते हैं। तो हमने यहाँ से टोल क्रॉस किया है, और हमें पता चला कि यहाँ पे फास्ट टैग ही नहीं है, तो फिर हमने फिर कैश देके यहाँ से टोल क्रॉस किया। तो अभी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फास्ट टैग नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, और जिनके ऊपर बादल हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और रास्ते में हमको ये एक नदी सी भी दिखी है, और हमने जूम करके देखा तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो इसमें नहा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है, और मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है। और जैसे ही हम हल्द्वानी बाईपास से थोड़ा आगे बढ़े तो हमको ये स्टेडियम दिखा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। काफ़ी बड़ा स्टेडियम था, और स्टेडियम के आसपास भी कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। स्टेडियम देख के बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ा है ये स्टेडियम। अगर आप लोग भी नैनीताल आने का प्लान बना रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इस समय नैनीताल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बारिश हो रही है या कैसा मौसम है, कोई ख़तरा तो नहीं है, क्योंकि 2-3-4-5 दिन से हम लोग भी यही सोच रहे थे कि हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले प्लान बनाया था कि हम दीपा के बर्थडे पे नैनीताल जाएंगे, बट कुछ टाइम से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लैंडस्लाइड्स हो रही थी, तो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम भी औरों की वीडियोस देख रहे थे, लोगों से अपडेट्स ले रहे थे, बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हुई थी, बट उसको गवर्नमेंट ने रिपेयर करा दिया, रोड्स को रिपेयर करा दिया, सब कुछ ठीक करा दिया बहुत ही जल्दी। और आज का मौसम भी, आज धूप निकल रही है, बट जैसे ही हम थोड़ा ऊपर गए तो कभी धूप है, कभी हल्की सी बूंदाबांदी हो जा रही है, बट खतरे की कोई बात नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, कई सारे लोग भी आ रहे हैं, तो सेफ़ है इस टाइम नैनीताल आना। तो ये व्यू आप देख रहे हैं, ये मैंने नैनीताल में ये जूम करके देखा, तो यहाँ पे ऊंचे पहाड़ियों पे भी घर बने हुए हैं काफ़ी। ये हमने एक होटल लिया था, ये व्यू हमारे होटल से ही है, जिसमें लेक का व्यू भी था। फिर हमने सोचा कि चलो बोटिंग करी जाए, तो हम लोग आ गए गाइस बोटिंग करने, ये दीपा और आशी बोट्स को देखते हुए कि कौन सी बोट में बैठ के बोटिंग करी जाए। तो मैं जाता हूँ टिकट लेने, और मैं यहाँ पे टिकट लेने गया तो पता चला कि दो टाइप्स के टिकट हैं, ये लोग जो बोट्स कराते हैं, एक फुल चक्कर कटवाते हैं पूरे लेक का, और एक हाफ़। तो हम लोग ने हाफ़ वाला करा, क्योंकि बारिश भी हल्की सी हो रही थी। उसका प्राइस था 320 या 330 रुपीस था, तो हमने करा। तो उसके बाद हम तुरंत ही बोट में बैठ गए, और आशी ये हमको हाय करती हुई, ये हम लोग के सामने बैठी थी सीट पे। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ऊपर दे आप बादलों को देख सकते हैं, बादल बन रहे हैं, अभी बारिश रुक गई थी। गाइस बारिश रुकने का जैसे ही नाम लिया मैंने, और यहाँ पे बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई है, और
शादी थोड़े गुस्सा हो गए हैं क्योंकि इन्हें आशी के साथ बैठने नहीं दिया आगे, इनको पकड़ के ही बैठे थे क्योंकि हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा था। और ये देखिए बारिश हो रही है और बारिश में भी व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये। और टाइमिंग की बात करूं तो इस समय शाम के 5 बज रहे थे जब हमने बोटिंग स्टार्ट की थी और हमको 15-20 मिनट लगे बोटिंग करने में। तो गाइज हम लोग बोटिंग कर ली है, अब हम लोग ने सोचा कि कोई शॉपिंग करी जाए, तो हम यहाँ के नैनीताल के मेन मार्केट में आ गए हैं। बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग ने अम्ब्रेला ले लिए, आदि अपना स्कूटर भी साथ में लाए हैं तो वो अपने स्कूटर से अपना इंजॉय करते हुए। तो ये पूरा नैनीताल का मेन मार्केट है जहाँ पे कुछ सामने आप देख रहे हैं खाने पीने की शॉप्स हैं, पीछे स्टेडियम है यहाँ पे, और हम चले शॉपिंग करने। शॉपिंग के बाद हम फिर से नैनी लेक पे आ गए हैं और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था और साथ ही में थोड़ी बारिश जैसे ही बंद हुई हल्की सी धूप निकली और हमको रेनबो देखने को मिला। गाइज आप देख सकते हैं रेनबो, हम कई बार नैनीताल आए पर पहली बार हमने यहाँ पे ये रेनबो देखा और 2 रेनबो थे। आप इसके थोड़ा सा राइट में देखेंगे तो 1 रेनबो और बन रहा था जो कि वो भी थोड़ी देर में डार्क हो गया था। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे और भूख लगने लगी थी तो सोचा कुछ खाया जाए स्नैक्स। तो दीपा ने कहा कि हमको सैंडविच खाना है तो हम दीपा के लिए आए सैंडविच और अपने लिए चीज़ बर्गर जो कि यह आराम कर रहा है। फिर हमने देखा इस नैनी लेक में तो बहुत सारी फिशेज हैं, लोगों ने कुछ यहाँ पे उनको खाने को दिया था तो सारी वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी और बहुत ही देख के उनको अच्छा लग रहा था। और मुझको एक बात और याद आई, जो जब हम बोटिंग कर रहे थे तो जो हमको बोटिंग करा रहे थे हमने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे फिशेज जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि भैया हमसे भी बड़ी फिशेज हैं यहाँ पर तो बड़ा अच्छा लगा। और ये एक छोटा सा पार्क है जिसके पीछे आप देख रहे हैं कि थिएटर है जिसमें कोई मूवी भी लगी है जो कि नैनी लेक के बिल्कुल बराबर में ही है। आदि फिर से अपना स्कूटर लेके आते हुए, स्कूटर लाना इनका सही रहा, इन्हें चलना तो नहीं पड़ा। दीपा का बर्थडे है जैसे कि मैंने बताया था और हम लोग यहाँ पे केक काटने वाले हैं, हम होटल रूम में हैं और हम ये केक लेके आए हैं प्यारा सा, हैप्पी बर्थडे दीपा, और उस पर कैंडल लगा दी है और हम बस ये केक काटने ही वाले हैं। क्लैपिंग क्लैपिंग।